जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है अगर हम कुछ चीज़ें करते रहे तो गुरु जी से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसके बदले हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब वो दो तीन चीज़ें क्या है जिससे हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स मिलेंगे और बहुत प्यारा मैसेज भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और उनका भी शुक्राना। और कोई भी सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाना चाहूँगी, और ये जो एक पवित्र गुरु महाराज जी ने जो हमारे को जो अपना मंत्र जाप दिया है, मैं पहले वो उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी अरदास है कि आप मेरी बुद्धि में विराज हो के मेरी जुबान पे मुझे वर्ड्स दीजिए, ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से शेयर कर सकूं। क्योंकि हम लोग नादान हैं, अज्ञानी हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है आपके शुक्राना वर्ड्स के लिए, तो आप हमारे को ये वर्ड्स के लिए प्लीज़ विनती है कि आप हमें ये वर्ड्स दीजिए और मेरी बुद्धि में विराजिए, ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग और आपको तहे दिल से मैं प्रणाम कर सकूं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, पर बहुत सारी चीज़ें डे बाय डे न्यू एक्सपीरियंसेस हर इंसान के साथ ही होते हैं, और गुरु जी की संगत के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते रहते हैं। गुरु जी हर किसी को उनके कर्मों के हिसाब से और उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से गुरु जी कोई ना कोई उनके साथ सब कुछ मतलब अपना दर्श दिखाते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी को ज़्यादा किसी को कम, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे महादेव हैं। तो परमेश्वर परमात्मा किसी को भी किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं करते, हर किसी को इक्वली रखते हैं। तो और मैं यही चाहूँगी कि गुरु महाराज जी, आपने जो अपनी संगत को अपने चरणों में लगाया हुआ है, सबसे पहले यही विनती और अरदास है कि सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखें, और जो भटक गए हैं प्लीज़ उनको रास्ते पे लेके आए, समस्त संसार में अमन और शांति हो। मेरा सबसे पहले ही गुरु महाराज जी से यही अरदास है। और संगत जी, आपको जैसे बताएंगे गुरु जी लाइक नहीं करते कि कोई भी फास्ट वगैरह रखना, स्टिल मैंने फास्ट रखे हुए हैं सावन के मंडे के, तो मैंने गुरु महाराज जी से यही प्रे की थी, गुरु महाराज जी आपके ऊपर अगर आप रखवाना चाहोगे तो मुझे हिम्मत देना, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं देना। बट मेरी कोई, मैं ऐसे कोई प्रॉपरली विश के लिए नहीं रख रही हूँ, बस रख रही हूँ कि ये शुक्राने के लिए है, समस्त अमन संसार में अमन शांति चाहिए, और हमें अपनी विश उनके आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेहतर पता है कि हमें क्या देना है और हमारे लिए क्या सही है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, पता नहीं गुरु महाराज, अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पर फिर भी मैं ये चाह रही हूँ कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर भी तू थैंक्स और शुक्राना कर, और तू ये मान कि जो तेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है वो भी तेरे लिए एक तेरे लिए बहुत ज़रूरी है तेरी लाइफ के लिए, तो मैं उस प्रॉब्लम के लिए भी शुक्राना करना चाह रही हूँ। बाकी गुरुजी जानते हैं इस चीज़ के लिए, और गुरुजी ने मुझे बोला अभी बैठ के इस प्रॉब्लम के लिए भी शुक्राना कर, तो मैं ये शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और हर पल हर घड़ी
गुरु महाराज जी को मैं यही कहती हूँ, गुरु महाराज जी परिस्थितियाँ जैसी मर्जी हों, बस अपने से जुदा मत करना, हमारे को अपने से अलग मत करना, क्योंकि हमें पता है जो भी परिस्थितियाँ हों आप उनका उनको सॉल्व कर ही देते हैं, बट हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी ज़िंदगी की हमारे सांसों से भी बढ़ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका होना हमारी लाइफ के अंदर। तो आप हमारे लिए वो कोहिनूर है कि जिसका जिसके बारे में हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और गुरु महाराज जी बस मैं यही बोलूँगी कि मैं बस हर किसी के लिए एक अच्छा बोलना चाहूँगी, अरदास करना चाहूँगी सबके लिए। मुझे नहीं पता मैंने कैसा सत्संग शेयर किया, आई डोंट नो, बट मुझे पता है गुरु महाराज जी के मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हैं, उस हर मिरेकल्स के लिए शुक्राना, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के लिए शुक्राना गुरु जी। और मुझे आपसे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ आपने जोड़ा हुआ है, अपनी रज़ा में रखा हुआ है, और दुख और सुख का अभाव नहीं होने देते हैं आप, और बहुत अच्छे से लाइफ चला रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, वी आर वेरी बेटर देन 1000 पीपल्स। सो मेरे को अपनी किसी भी परिस्थितियों को लेके कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हम इंसान हैं तो ये जन्म लिया है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ चलेगा, बट हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने परमेश्वर के ऊपर कि कुछ भी टिकने के लिए नहीं आता, ना दुख टिकने के लिए आता है, ना सुख टिकने के लिए आता है। तो गुरु जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने जो मेरे से ये शेयर करवाया मुझे नहीं पता, और मैं तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, पर किस चीज़ के लिए कर रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, बट जस्ट थैंक्स, शुक्राना, लव यू गुरु जी। अपना बना के रखा हुआ है, अपना सत्संग बख्शा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। और जितनी भी गुरु जी की संगत है, हम बहुत रिच हैं कि हमें साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गए हैं। इस चीज़ के लिए हमेशा 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 थैंक्स करो। हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे बच्चे, हमारी जॉब्स, हमारी घर गृहस्थियाँ, हमें गुरु जी को ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि गुरु जी ऐसा ठीक कर दो, वैसा ठीक कर दो। हम नहीं भी बोलेंगे तो भी पता है उनको हमारे लिए क्या ठीक है। सो प्लीज़ बस मैं ये चाहती हूँ गुरु जी, मैं आपसे कोई डिमांड ना करूँ, बस मैं हमेशा जब आपके सामने बैठूँ, अभी भी गुरु जी के स्वरूप के सामने हूँ मैं गुरु जी के आगे ये अरदास करती हूँ, गुरु जी जब भी मैं आपके सामने बैठूँ बस आपको आपसे मांगूँ, महादेव को महादेव से मांगूँ, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, हमें सांस दिए हैं, और यही हमारा जन्म मिला है जिसमें हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी पता नहीं हमको कितनी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं, कितनी 84 लाख जूनियों से बचा रहे हैं। बस अनंत अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इस गुरु महाराज जी का, जो अपने साथ जोड़ लिया, अपना सत्संग बख्श दिया, अपना लंगर प्रसाद बख्शा, सबके ऊपर हाथ रखा हुआ है, संसार में अमन शांति हो, सबका भला हो, सबके घर में सुख शांति हो। गुरु महाराज जी हर चीज़ से हमें बचाते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें क्यों गुरु महाराज जी को अपने मुँह से निकालेंगे, बस मुँह से बस यही शब्द निकालो गुरु महाराज जी, शुक्राना, थैंक यू इन एवरी सिचुएशन, और अपने साथ जोड़ा है, बस यही हमेशा बोलो। और बस गुरु महाराज जी, बस आई डोंट नो गुरु महाराज जी, शुक्राना, थैंक यू सो मच, हर प्रॉब्लम के लिए शुक्राना, हर सिचुएशन के लिए शुक्राना, अपने हाथ में रखा, ज़िंदगी बख्शी हुई है, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुबा। और हमेशा अपने मंत्र जाप में, और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं अमृत वेला वही होता है कि जब तुम मेरे मंत्र उच्चारण करते हो वही अमृत वेला होता है। गुरु महाराज जी ने कभी कोई डे और कभी कोई सुबह शाम, कभी ऐसी कोई तुम लोगों को हम लोगों को कभी कुछ ऐसे रिचुअल्स में नहीं बांधा हुआ है। गुरु महाराज जी कहते हैं दिन भी मेरा, रात भी मेरी, हर मिनट भी मेरा, मैं हर सेकंड भी मेरा, हर आवर भी मेरे। तो गुरु महाराज जी के साथ कहते हैं ना, जहाँ जागो वहीं सवेरा है, तो प्लीज़ किसी भी रिचुअल्स में ना पड़े, और गुरु महाराज जी को हमेशा, गुरु महाराज जी का हर दिन, हर गुरु महाराज जी का वक्त समझ के बस उसको शुक्राना करें, और ये ना सोचें, वहम ना करें,
है ना, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज हमें बुरा सपना आया, पता नहीं गुरु महाराज जी हमें कितनी चीज़ों से बचाते हैं। तो संगत जी सॉरी अगर मेरे वर्ड्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट बस शुक्राना 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 करो, मंत्र जाप करो, अपनी डिमांडों को इग्नोर करके। बस गुरु महाराज जी को सब पता है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें विश्वास होना चाहिए। अगर आज हमारे साथ कोई भी परिस्थिति ऊपर नीचे, हमें भरोसा होना चाहिए हमारे गुरु महाराज जी ठीक कर देंगे, क्योंकि अगर विश्वास है तो विश्वास के पार जीत है। बस इतना बोलना चाहूँगी, थैंक यू गुरु महाराज जी, लव यू गुरु महाराज जी, आप सबके हो और सबके लिए आप बराबर करते हो, किसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो और हर किसी को उसकी प्रॉब्लम के अनुसार और सबको ही दर्शन देते हो, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी के रूप में, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है गुरु जी के दरबार में कि उसको ज़्यादा उसको कम नहीं। गुरु महाराज जी किसी के साथ फ़र्क नहीं करते हैं, गुरु महाराज जी ऑलवेज इक्वल है विद एवरी पर्सन। सो मेक श्योर एवरी पर्सन शुड बी ऑलवेज अरदास एंड शुक्राना, नो डिमांड फ्रंट ऑफ गुरु जी प्लीज़। सो थैंक्स गुरु जी, एवरी सिचुएशन इन द थैंक्स, लव यू गुरु जी, लव यू पा। और मैं अपने दूसरे सत्संग की शुरुआत के लिए मैं गुरु महाराज जी से पहले बोलूँगी थैंक्स फॉर वर्ड देने के लिए, थैंक्स मेरी बुद्धि में अपने आप को विराज करने के लिए, ये वर्ड्स भी गुरु जी ने निकलवाए। तो गुरु महाराज जी दूसरे सत्संग की तैयारी करने के लिए थैंक यू, एंड मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ऑलवेज ऑलवेज शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आपका शुक्राना, आंटी जी आप सत्संग शेयर करते हो, आपको तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, रियली आई ऑलवेज प्रे फॉर यू। और जो आपको सेवा बख्शी है गुरु महाराज जी ने, आपको साक्षात गुरु जी ने अपने चरणों में बिठा के जो सेवा दी है, यू आर वेरी वेरी लक्की, यू आर वेरी लक्की एंड ऑलवेज ब्लेस फ्रॉम गुरु जी साइड, एंड ऑलवेज प्रे एंड थैंक्स, आपको बहुत बहुत थैंक्स आंटी जी, थैंक यू, शुक्राना आपका भी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी जैसा कि आंटी जी ने बताया कि हमें हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए, कष्ट तो हमारे पास आते ही रहेंगे, वो आना कभी बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास जो कष्ट आया है या कोई परेशानी आई है तो वो छोटे में ही आई होती है, इसलिए हमें उसका भी शुक्राना करते रहना चाहिए। और आंटी जी ने इस बात को भी बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हम मंत्र जाप करते रहें, हम गुरु जी से जो डिमांड्स करते रहते हैं उसे बंद कर दें, अपने आप को गुरु जी के हवाले कर दें और गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें, तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। क्योंकि जब हम कोई डिमांड ही नहीं करेंगे, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होगा वो मिरेकल से कम नहीं होगा। और हमें तो उसके बदले हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है। ऐसा नहीं है कि हमें गुरु जी मिले हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। लेकिन ये पक्की बात है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी कष्ट आएगा, वो छोटे में होकर ही आएगा, क्योंकि 90% कष्ट गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें तो सिर्फ 10% ही देते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी का सुख वेले भी शुक्राना करना चाहिए और दुख वेले भी शुक्राना ही करना चाहिए। गुरु जी का गुणगान जब भी करें वही अमृत वेला है, इसलिए कोशिश कीजिए कि गुरु जी को याद करते रहें और उनका शुक्राना भी करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।